बिग बॉस 16 के विनर और मशहूर रैपर एमसी स्टैन के इंदौर में चल रहे लाइव कॉन्सर्ट में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के कारण स्टैन को स्टेज से उतरना पड़ा, जिस कारण उनका शो रद्द हो गया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां भी चलानी पड़ी। खबरों के मुताबिक 17 मार्च को एमसी स्टैन का लाइव कॉन्सर्ट इंदौर के लसूरिया थाना क्षेत्र के एक नामी होटल में चल रहा था। उसी दौरान वहां अचानक से करणी सेना आ पहुंचती है और जमकर हंगामा शुरू कर देती है। करणी सेना ने आरोप लगाया कि शो के दौरान स्टैन ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। बताया जा रहा है कि करणी सेना ने पहले भी स्टैन को चेतावनी दे रखी थी कि अगर शो में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ तो उनका विरोध किया जाएगा। आपको बता दें कि इतना ज्यादा हंगामा और विरोध देखते हुए बीच शो के दौरान ही एमसी स्टैन स्टेज से उतरकर चले गए। इसके बाद करणी सेना के सदस्य बड़ी देर तक हंगामा करते रहे और रैपर को पीटने की धमकी भी दे दी। हंगामे के बीच ही करणी सेना के दिग्विजय सिंह ने एमसी स्टैन को मंच पर आने की खुली चुनौती दी और अंजाम देख लेने की बात तक कह दी। इस हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने करणी सेना के सदस्यों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। बाद में पुलिस ने सख्ती की और उन्होंने मामला जैसे तैसे शांत कराया। स्टैन के फैंस ने उनका शो रद्द होने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ तरह तरह की टिप्पणियां की है। फिलहाल इस मामले में किसी ने भी एक दूसरे के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराया है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मनोरंजन और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए अभी हमारे चैनल MGB Digital India को सब्सक्राइब करें।